आप देख रहे हैं आपका अपना सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मंत्र, हर खबर की सच्चाई पर नजर। नमस्कार, आज के श्रमिक मंत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा, आज के अहम खबर के साथ। बीजेपी संगठन व दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने महज कुछ दुकानदारों व व्यापारियों की आड़ में पूर्व से चले आ रहे सूदखोरी के नाम पर बाजार में चल रहे करोड़ों रुपए की लेन देन को लेकर नितिन गुप्ता पर दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु पंकज मैसोन की पोल उस वक्त खुल गई जब मैसोन अपने 15 से 20 साथियों के साथ नितिन गुप्ता के दुकान के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर क्या था, वहां व्यापारी का एक तबका ने दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष का विरोध ही नहीं किया बल्कि मैसोन की उल्टा पोल खोलकर रख दी, और पंकज का विरोध करने वाले दुकानदार ने श्रमिक मंत्र टीम को बताया कि दरअसल यह पूरा का पूरा मामला सूदखोरी के रुपयों की लेन देन का है और दून वैली महानगर अध्यक्ष भाजपा पार्टी में होने का खुलकर दुरुपयोग करता आ रहा है, जबकि पंकज मैसोन की रुपयों की लेन देन नितिन गुप्ता के पिता से थी जो अब वह इस दुनिया में नहीं है। इतना ही नहीं, पंकज मैसोन अपने रसूख व बीजेपी संगठन के नाम पर प्रशासन व पलटन बाजार कोतवाल से मिलकर पिछले 4 महीनों से लगातार नितिन पर दबाव बनाता आ रहा है। बावजूद भी पंकज अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो वह अपने 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर गुप्ता के निजी खाली जमीन पर लग रहे कुछ फड़ व्यापारियों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। वहीं अब मिसेज पूर्णिमा गुप्ता प्रशासन से अपनी जान माल व सुरक्षा की गुहार लगा रही है। Hadi bakalım.